बिहार में जारी हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट नतीजे के आने के बाद लालू ने की खास मांग, तो वहीं नीतीश कुमार ने जनता को दी जातिगत जनगणना के रिपोर्ट की बधाई। 2024 को लेकर किया अपना पक्ष साफ। बिहार में जहां कई पार्टियों के बीच रार देखी गई, आज उसी जाति का जनगणना का रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार में कुछ पार्टियों की खुशी उबर उबर कर बाहर आ रही है। बीते काफी वक्त से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग की जा रही थी। वहीं राज्य की कुल आबादी का आंकड़ा भी सामने आया है, जहां सरकार ने अलग अलग जातियों की जनगणना रिपोर्ट को जारी किया है। बिहार में हुए जातिगत जनगणना की सर्वे की रिपोर्ट आज यानी कि 2 अक्टूबर को जारी कर दी गई। वहीं जानकारी के लिए बताते चले कि इसके मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने गांधी जयंती के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट की पूरी डिटेलिंग पहुंचाई है। अगर बिहार में हुए सर्वे की बात करें तो राज्य में सर्वे के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या 13,07,25,310 है। इसमें से बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या 53,72,022 है। बिहार राज्य में रहने वालों की कुल संख्या 12,53,53,288 है। बताते चले बिहार में हुई जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सारे वर्गों का समीकरण सामने आ गया है, जहां प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.15% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, सामान्य वर्ग 15.15% है। जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में खूब बवाल मचा हुआ है। वहीं पूरा मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध के बाद भी बिहार के राजनीतिक दलों की एकता के कारण बिहार में जाति का जनगणना कराया गया। बिहार के नीतीश सरकार ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए भी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर ही दी, और सरकार द्वारा जारी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में कई बातों का खुलासा हो गया है। इस जनगणना में पता चला कि बिहार में हिंदुओं की आबादी जहां सबसे ज्यादा है, वहीं दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी है। अब बात कर लेते हैं कि इस जाति का जनगणना के सर्वे की रिपोर्ट के सामने आने के बाद किन पार्टियों में ज्यादा खुशी की लहर है और कौन अपना रणनीति तैयार करके बैठा है। दरअसल इस रिपोर्ट से राजद अध्यक्ष लालू यादव के MY वोट बैंक का ताकत सामने दिख रहा है। इस वोट बैंक के दम पर लालू यादव ने बिहार में लगभग 15 साल तक राज किया था, और उनमें ये खुशी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि दोबारा से वो MY रणनीति पर काम करने को तैयार है। वहीं सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े देख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर पोस्ट किया है और अपनी खुशी जाहिर की है। ट्वीट के जरिए लिखा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जातिगत जनगणना आधारित आंकड़े प्रसारित कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संस्थानों से जाति आधारित जनगणना करवाएगी। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा में उन्हें 9 दलों की बैठक फिर से बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा, जिन लोगों की सहमति से ये हो पाया है। वहीं आने वाले समय में नीतीश कुमार की योजना बन रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन पूरे देश में जाति का जनगणना कराने पर मुद्दा एजेंडा बनाकर उठाएगी। इसे लेकर देश भर के विभिन्न पार्टियों से नीतीश कुमार की बातचीत भी चल रही है।